Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi. आज के सेशन में we are going to learn about the Equitable Protocol. जो कोड आज के सेशन में यूज होगा वो ऑलरेडी GitHub और Google Drive पे अवेलेबल है. And if you need the code, what you can do is check the video description, click on the link and download the code for you. Now before we begin with this session, I would like to request, if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, then please do subscribe to the channel and share it with your iOS friend. That being said, let's begin our today's session. Let me start this session with a question. Suppose I have two objects, object 1 and object 2. Now the question is, मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जिससे ये पता चले कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू सेम है. If the values are same, the code should return true, indicating that all values are same. But if not, the code should return false. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू सेम है. बट इसे आप कोड में कैसे करोगे? Now some of you may say कि रवि हम एक फंक्शन बनाएंगे टू चेक इफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम और नॉट. एंड सम ऑफ यू में से कि हम एक्सटेंशन लिखेंगे जहां पे हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे. इन एनी केस दोनों अप्रोच में आप सेम कोड लिख रहे हो. यू आर यूजिंग द सेम इफ कंडीशन टू कंपेयर ऑल द वैल्यूज एंड रिटर्न अ बुलियन. बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज एन इजी वे टू डू दिस जहां पे आपको कोई फंक्शन या एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है. प्रोग्रामिंग में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो तो द इजीएस्ट वे टू डू दिस इज बाय यूजिंग द इक्वालिटी ऑपरेटर. और सम ऑफ अस मे कॉल इट द इक्वल टू ऑपरेटर. एंड रियली व्हाट दिस ऑपरेटर डज इज कि ये दोनों ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यूज को एक दूसरे से कंपेयर करता है. और अगर सभी वैल्यूज सेम है तो इट रिटर्न्स ट्रू, विच मींस बोथ द ऑब्जेक्ट कंटेन द सेम वैल्यू. और अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू मैच नहीं करती तो द इक्वालिटी ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स. सो इन अ वे वी कैन से दैट कि ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर है इसकी खुद की एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है फॉर कंपेयरिंग द वैल्यूज. सो लेट्स क्विकली चेक दिस अमेजिंग फीचर आउट. सो लेट मी स्विच टू एक्स कोड. यहां पे मैं इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करूंगा ऑन प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2. आई वुड से रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट 1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट 2 एंड आई एम गोइंग टू यूज डीबग प्रिंट रिजल्ट. सो ओवर हियर वी हैव गॉट एन एरर. लेट्स सी व्हाट दैट इज. स्विफ्ट में जो कस्टम टाइप है, इन दिस एग्जांपल द कस्टम टाइप इज प्रोडक्ट ओवर हियर. कस्टम टाइप में अगर आप इक्वालिटी या इनइक्वालिटी जैसे ऑपरेटर यूज करना चाहते हो तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द इक्विटेबल प्रोटोकॉल. सो लेट्स गो एड एंड डू दैट. सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इक्विटेबल प्रोटोकॉल ओवर हियर एंड जस्ट लाइक दैट द एरर इज गॉन. सो लेट मी रन द एप्लीकेशन एंड नाउ विदाउट राइटिंग एनी कस्टम फंक्शन या एक्सटेंशन वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑल देयर वैल्यूज एंड दिस फीचर इज रियली अमेजिंग. फ्रॉम अ डेमो पर्सपेक्टिव दिस इज फाइन, बट अक्सर रियल प्रोजेक्ट में चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं. आप अगर कंपैरिजन करते हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट का तो यू डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ सम आइडेंटिफायर. टेक दिस फॉर एग्जांपल. हियर आई वांट टू चेक इफ बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी और नॉट. तो ऐसे सिनेरियोस के लिए कुछ डेवलपर्स या तो फंक्शन का यूज करेंगे या फिर एक्सटेंशन का. इफ यू लुक एट द कोड इट्स प्रीटी मच द सेम. बट नाउ विद इक्विटेबल प्रोटोकॉल आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर 3. एक सोल्यूशन के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है. एंड इन प्रोग्रामिंग जब आपके पास एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं तो आई थिंक कोड करने से पहले डेवलपर्स को एक कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा फ्रॉम कोड क्लीनिनेस एंड रीडेबिलिटी पर्सपेक्टिव. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपनी ओपिनियन दूंगा रिगार्डिंग द ऑप्शंस दैट वी हैव. बट फॉर नाउ लेट्स लर्न हाउ वी कैन यूज इक्विटेबल प्रोटोकॉल फॉर दिस. जो इक्वालिटी ऑपरेटर है उसकी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है एंड बाई डिफॉल्ट वो सारे प्रॉपर्टीज की वैल्यू को कंपेयर करता है. इन दिस केस हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को कंपेयर करना है, विच इज कैटेगरी. तो हमें सबसे पहले हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर के इस बिहेवियर को बदलना पड़ेगा. एंड दिस कैन बी डन थैंक्स टू इक्विटेबल प्रोटोकॉल स्टैटिक फंक्शन, विच यू कैन सी ओवर हियर. मैं चाहता हूं आप इस फंक्शन के नाम पे ध्यान दो. तो यू कैन सी दिस इज द इक्वालिटी ऑपरेटर. एंड इफ यू लुक एट द एक्सटेंशन ओवर हियर यू कैन सी जो फंक्शन का नाम है इट इज एन इनइक्वालिटी ऑपरेटर. सो दिस मीन्स हम इक्विटेबल प्रोटोकॉल यूज करके इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ये दोनों ऑपरेटर के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. And by now, if you have guessed it, then yes, this is an example of operator overloading, which is a form of polymorphism in object-oriented programming. So now let me implement that function. Static function equality operator, left hand side is product, right hand side is also product. Yahan pe main debug print use karunga. I would call this inside equality operator. I would use inside custom equality operator function. और ये जो function है it is going to return boolean based upon the comparison that we are going to make. LHS dot category is equals to right hand side dot category. Now let me run this.
So you can see we are getting true. This is because the category is the same. Now let me update the category. Now let me run this. So right now we are getting false. और यहाँ पे हमारा डीबग फंक्शन का जो डीबग प्रिंट का जो मैसेज है इट इज बीइंग प्रिंटेड. सो वी कैन कंफर्म कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रही है इट इज बेस्ड अपॉन द स्टैटिक फंक्शन दैट वी हैव रोट. नाउ लेट मी शो यू वन मोर बिहेवियर ऑफ इक्विटेबल प्रोटोकॉल विद कलेक्शंस. सो लेट मी स्टॉप दिस. यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करूँगा दैट इज गोइंग टू बी अवर प्रोडक्ट नंबर 3 विच इज इक्वल्स टू लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर. द नेम इज गोइंग टू बी Microsoft Surface, brand is Microsoft, and the category is laptop. Now let me scroll up a little and let me remove this code. Product array is equals to product 1, comma product 2. Or yahan pe, what I'm going to do is I'm going to use the product array. Contains product 3. Now let me run this. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज जो कंटेंट्स है उसने जो रिजल्ट रिटर्न किया इट इज ट्रू एंड दिस मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट एरर है इसमें ये प्रोडक्ट 3 एग्जिस्ट करता है. बट आप खुद कोड देखकर ये बता सकते हो कि जो प्रोडक्ट 3 है वो इस प्रोडक्ट एरर में एग्जिस्ट नहीं करता है. बट फिर भी जो कंटेंट्स है उसने हमें जो रिजल्ट रिटर्न किया है इट इज ट्रू. आई थिंक इस डीबग प्रिंट मैसेज को देखकर आप समझ गए रहोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है. जो कंटेंट्स फंक्शन है उसने हमारे इस स्टैटिक फंक्शन का यूज किया फॉर मेकिंग दिस कंपैरिजन. और क्योंकि इस प्रोडक्ट एरे में ऑलरेडी एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी कैटेगरी वॉज लैपटॉप वी हैव गॉट द रिजल्ट एज ट्रू ओवर हियर. एंड आई थिंक दिस इज वन बिहेवियर विच वी शुड बी अवेयर ऑफ. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस व्हाट वी शुड बी यूजिंग फॉर वैल्यू कंपैरिजन. आई थिंक एज अ डेवलपर वी ऑल एग्री ऑन वन थिंग. अपना कोड बहुत ही सिंपल और रीडेबल होना चाहिए. इन केस ऑफ इक्विटेबल आई रियली लाइक व्हाट इट डज. बट एक सेकंड के लिए मान लो दिस इज द कोड दैट यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो किसी भी न्यू डेवलपर को ये लग सकता है कि ये दोनों प्रोडक्ट के सारे वैल्यू सेम होने चाहिए फॉर दिस लॉजिक टू वर्क बिकॉज दिस इज हाउ इक्वालिटी ऑपरेटर वर्क्स इन जनरल. आई वुड डेफिनेटली ट्राई एंड अवॉइड राइटिंग सच कोड जहां मेरा कोड देखकर डेवलपर एजम्पशन बना ले. बिकॉज ट्रस्ट मी एजम्पशन इन प्रोग्रामिंग इज रियली वेरी बैड. आई थिंक अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि ये दोनों प्रोडक्ट के कैटेगरी सेम होने चाहिए तो उस केस में इक्विटेबल प्रोटोकॉल नहीं यूज करके आप एक सिंपल रीडेबल एक्सटेंशन बना सकते हो सो दैट कोई नया डेवलपर जब ये कोड रीड करे तो उसको ये समझ आए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यूज का सेम होना जरूरी नहीं है. सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट के कैटेगरी सेम होने चाहिए. अगर दोनों ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है तो यू कैन इवन सिंप्लीफाई थिंग्स यूजिंग एन इफ कंडीशन. एक्सटेंशन बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है. एक्सटेंशन तभी बनाओ जब आप उस एक्सटेंशन की फंक्शनैलिटी को 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा बार यूज करने वाले हो. अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आपके दोनों ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यूज को कंपेयर करना है then in such cases equitable protocol should be the preferred choice. But let's say आपका personal preference ये है कि आप equality operator का custom implementation use करना चाहते हो. So I would recommend not doing that. But अगर फिर भी आपको करना ही है then I would suggest adding comments at all the places where you have used this custom implementation. So that किसी भी new developer या खुद आप जब आपका code देखो 1 या 2 साल के बाद तो you know that कि इस equality operator का एक custom implementation है. आई थिंक प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ क्लीन एंड रीडेबल योर कोड इज. एंड डिस्पाइट स्विफ्ट हमें बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ें करने देता है आई थिंक द डेवलपर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग द राइट थिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन इक्विटेबल प्रोटोकॉल विच यू थिंक आर अनएंसर्ड इन दिस सेशन तो आपके क्वेश्चन आप कॉमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो. माई ईमेल आई डी इज codecat15@gmail.com. Please do like the video and if you're new to the channel then please subscribe. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy iCoding. Bye-bye.